तो सुप्रीम कोर्ट में आईजी इस्लामाबाद तबादला केस की समाअत जेआईटी ने रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में जेआईटी ने आजम सवाती को कसूरवार ठहराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आजम सवाती ने गलत बयानी की। आजम सवाती के साथ खुसूसी बर्ताव अपनाया गया। आजम सवाती ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। बात करेंगे, जान शेर हमारे साथ मौजूद है। जान शेर, ये अहम समाअत जारी है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आजम सवाती केस से मुतल्लिक जो है वो समाअत हुई, जिसमें वकील अली जफर का कहना था कि अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर रिपोर्ट तलब की थी और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक वो जो सरबमाहर रिपोर्ट है वो जमा करवा दी गई है, जिस पर वकील अली जफर का कहना था कि मैंने अभी तक वो रिपोर्ट नहीं देखी। अदालत ने रिपोर्ट में मुख्य सवाल भी जो है पूछे थे। चीफ जस्टिस का कहना था कि बुनियादी सवाल जो है वो दोनों सांस की धांधली का था और जेआईटी को पूछना था कि पर्चा दर्ज हो सकता है या नहीं हो सकता। तमाम जेआईटी ने आजम सवाती के मौकफ को जो है मुस्तरद किया गया और ये भी कहा गया रिपोर्ट में कि आजम सवाती ने जो है वो गलत बयानी की है और वफाकी वजीर आजम सवाती के साथ जो है वो खुसूसी रवैया अपनाया गया है। तमाम जेआईटी रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश हुई है और उसमें आजम सवाती को कसूरवार भी ठहराया गया है। आजम सवाती ने गलत बयानी की, ये उसमें कहा गया है। और चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या ऐसे शख्स को वजीर रहना चाहिए, जिस पर जेआईटी रिपोर्ट में आजम सवाती से जवाब भी तलब कर लिया गया है और आजम सवाती के वकील को की बुध तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद करके केस की समाअत को जो है मंगल तक मुलतवी कर दिया गया। जी जी जानशीर, ये बताइएगा आजम सवाती की जानिब से जवाब कब तक दाखिल करवाया जाएगा? जी बिल्कुल, आजम सवाती को भी जो है मंगल तक का टाइम दिया गया है कि मंगल तक वो अपना जवाब जो है वो इधर यहाँ पर जमा करवाएं और मंगल को ही इस केस पर जाएगी। जी ठीक है जानशेर, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।